आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा, विचार जो नए रास्तों की तरफ ले जाए। श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो की विचार यात्रा में आज आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह। दोस्तों, ये विचार ही तो हैं जो एक अदृश्य ताकत के रूप में हमारे अंदर मौजूद रहते हैं और हम जीवन की नाव को तमाम तूफानों बवंडरों से निकालकर आगे बढ़ाते जाते हैं। तो क्यों ना प्रगतिशील वैज्ञानिक विचारों के खजाने से अपने आप को समृद्ध किया जाए। आज हम आपके लिए लाए हैं राहुल संकृत्याय और विक्टर ह्यूगो के विचार, आइए जानते हैं। दोस्तों, महाविद्रोही और महापंडित कहे जाने वाले राहुल संकृत्याय ने कहा था कि लहरों के थपेड़ों के साथ बहने वाला सूखा कास्ट जीवन वाला नहीं कहा जा सकता। मनुष्य होने से, चेतनावान समाज होने से हमारा कर्तव्य है कि हम सूखे कास्ट की तरह बहने का ख्याल छोड़ दें और अपने अतीत और वर्तमान को देखते हुए भविष्य के रास्ते को साफ करें। इसी तरह विश्व के महान लेखकों में गिने जाने वाले फ्रांसीसी मूल के विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि कोई भी ताकत उस विचार को आने से नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया हो। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर विचार यात्रा में आप सुन रहे थे राहुल संकृत्यान और विक्टर ह्यूगो के विचार। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों का गुलदस्ता लेकर, दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रंजना सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर 9617226783 पर अपना नाम और संक्षिप्त पता लिखकर भेजें। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो।